तो भाई स्टार्टिंग में जो आपने माइनस वाला सीन देखा वो चीज आपको दिखा के यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ भाई। देखो माइनस वाइनस तो लगता रहता है, या तो हैकर मारे या लेजिट बंदा मारे, तो उसका कोई बड़ा दुख होना नहीं चाहिए अगर आप एक रैंक पुश प्लेयर हो तो। भाई देखो माइनस तो भाई गेम का एक पार्ट है, देखो आपको इसमें डिप्रेशन में नहीं जाना, ना फ्रस्ट्रेट होना है, एकदम शांति से गेम निकालना है, नेक्स्ट वाला गेम लगाओ। तो भाई ये गेम वैसा ही होने वाला है, देखो हम लोग माइनस होने के बाद ये नेक्स्ट वाला गेम खेलते एकदम शांति से। तो भाई देखना इस वाले मैच में अपना गेम काफ़ी एकदम नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। तो भाई आप ये बताओ आप लोगों का रैंक और टीयर क्या चल रहा है, और मतलब एस या क्राउन कुछ भी चल रहा है। देखो मैं आपको यहाँ पे एक टिप्स देना चाहता हूँ कि मतलब आप अगर एस पे हो तो 200 पॉइंट, 150 पॉइंट, और क्राउन पे हो तो 250 पॉइंट, और एस के मतलब जो भी चल रहा है आपका टीयर अगर कॉन्करर होने वाला है तो डेली का 100-120 पॉइंट भी करोगे तो आपको 2-3 दिन के अंदर आराम से हो जाएगा। तो भाई बात ये करते हैं भाई इस वाले गेम प्ले में। भाई देखो इस वाले गेम प्ले में ज़्यादा किल्स तो नहीं होने वाले, पर यहाँ पे तुम्हारे भाई का प्रेडिक्शन एक नंबर होने वाला है। तो वो यहाँ पे जाते हैं भाई, यहाँ पे गाड़ी मेरा टीममेट फंसा देता है भाई हैवी ड्राइविंग करके। तो भाई मेरे पे एक होता है वो क्या बोलते हैं उसको इमरजेंसी पिकअप से भाई देखो ऐसी जगह जाने वाले हैं भाई कि डायरेक्टली वहाँ पर लैंड करेंगे, और भाई ऐसी जगह लैंड करता ना जोन प्रेडिक्शन में कि भाई पूरा जोन वहीं एंड तक रहता है, घर से हटता भी नहीं है। तो भाई आपको भी ऐसा थोड़ा सा प्रिडिक्शन वगैरह लगाना है भाई कि सेंटर लेना है आपको अगर हैकर ना हो लॉबी में, तो इस वाले मैच में हैकर तो नहीं होता है एक भी। तो भाई हम लोग सीधा सेंटर लेने का डिसाइड करते हैं, और देखो यहाँ पे भाई डायरेक्टली वहाँ पे लैंड करने वाले, देखो सिवर्नी का जो दो घर होता है वहाँ पे, और भाई जोन भी एकदम एंड तक हम लोग का साथ देता है इस वाले मैच में, क्योंकि भाई हैकर नहीं होता तो जोन साथ देता है, अगर हैकर होता तो हैकर के ऊपर जोन जाता है, हमको लगता है हैकर जोन हैक भी कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे उड़ के चले जाते हैं आसमान की ऊंचाइयों में, उसके बाद देखना भाई कितने मस्त सर। और हाँ गाइज आपको जोन रोटेशन कैसे लेना, आपको 2-3-4 जोन तो आपको एटलीस्ट जोन के बाहर रहना है, जैसे हम लोग जोन के बाहर काफ़ी दूर हैं, अगर हैकर ना हो तब भी आप रहो अगर आपको रैंक पुश करना है। और भाई देखो हम लोग यहाँ पे इससे इमरजेंसी पिकअप से ऊपर जाने का ट्राई करते हैं, तो भाई चल भी जाते हैं, और देखना एंड सर्कल में भाई कितने मस्त तबाही होने वाली, क्योंकि भाई ऐसा जोन लेते हैं ना कि जोन भाई हम लोग का इतना साथ देता है ना इस वाले मैच में कि मतलब जोन को भाई धन्यवाद करना पड़ता है, क्योंकि भाई कभी ऐसा जोन साथ देता नहीं है। आप लोग को भी क्या आपका भी जोन साथ नहीं देता है, अगर आप मतलब भटकते रह जाते हो भाई कंपाउंड मिलते नहीं, हर जगह बंदे बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं और भाई लकीली यहाँ पर बंदे रहते भी नहीं हैं, तो लेने के बाद भाई वाले कंपाउंड पे देखना भाई कितना मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भाई सिर्फ गाड़ी आएंगी, क्योंकि पता नहीं होता बंदों की भाई हम लोग यहाँ पे हैं और गाड़ी वाड़ी होती नहीं हम पे, तो सारे दरवाजे बंद भाई, बस बंदे देखो रोटेशन आते हैं यहाँ पे काफ़ी। उसके बाद भाई जो सीन होने वाला है ना आपको, देखो यहाँ पर एक गाड़ी आई, मेरे टीम मेट ने इसको डैमेज किया, एक किल इसने ले लिया, बट मैं इसका यहाँ पर एक किल चुरा लेता हूँ। देखो यहाँ पर बंदा गाड़ी फोड़ के नीचे बैठ जाता है, और इस बंदे को गाड़ी के नीचे यहाँ पर तुम्हारा भाई फिनिश मार देगा, थोड़े से इसके पिक्सल्स नज़र आ रहे थे तो इसको धीरे धीरे टैप टैप करके सीधा इसका किल ले लेते हैं, और भाई मेरे टीममेट एकदम गुस्सा हो जाता है। तो भाई ये बात कर लेते हैं, भाई सामने राइट साइड देख रहा होता देख, और कू बात इसको डैमेज करता हूँ, और यहाँ पे ये बंदे तो निकल जाते हैं। फिर भाई राइट साइड यहाँ पे देखता हूँ भाई ओपन में स्मोक हो रखा होता है, तो भाई इस वाले बंदे को स्पॉट करता हूँ, और यहाँ पे एक स्प्रे देते ही भाई ये बंदा फिनिश हो जाता है डायरेक्टली। तो भाई ऊपर साइड एक और बंदा होता है भाई, जो कि भाई इसके पैरों पे मार मार के इसका पैर काट देते हैं भाई, इसको पता भी नहीं चलता है दूर से कौन बंदा इसको गोली मार रहा है, और यहाँ पे बंदा फिनिश हो जाता है। उसके बाद भाई यहाँ पे जोन अपना देखो, सिर्फ जोन देखते रहो आप, यहाँ पे सर्कल कैसे बनता जा रहा है अपने पे। भाई ऊपर साइड बंदे आते हैं, स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ इनको, तभी भाई एक पीछे बंदा यहाँ पे पीक ले रहा था, इसको यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। उसके बाद भाई जो सीन होने वाला है ना, देखो पीछे तो बंदे होते हैं, एक बंदे इस बंदे को डैमेज करता है, ये बंदा जोन से चला जाता है, और भाई ये बग्गी वाला जो बंदा होता है भाई सारे बंदे जोन से मर जाते हैं भाई, किल ही नहीं देते हैं। यहाँ पे देखो 11 बंदे लाइव होते हैं। उसके बाद भाई देखना भाई लेफ्ट साइड वाले बंदे को भाई यहाँ पे डैमेज करता हूँ, ये बंदा यहाँ पे पीक ले रहा था, इसको ही मार देते हैं भाई, इसकी ज़िंदगी ख़राब ही कर देते हैं। तो भाई देखो अब 6 बंदे बचे हुए, दो बंदे सामने और 2 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं, इन बंदों को यहाँ पे आपस में फाइट होता है, यहाँ पे नेट मारने का ट्राई करता हूँ, नहीं मरते, डैमेज करता हूँ। अब भाई देखो ये बंदे भाई जोन से मरने का ट्राई करेंगे बट भाई किल नहीं देंगे, एक बंदा जोन से नॉकआउट हो जाता है, और सेकंड वाला जो बंदा होता है भाई आने का ट्राई करता है इसका, देखो एक बंदा जोन से नॉकआउट हो गया, सेकंड वाला जो बंदा होता है भाई लास्ट में गाड़ी लेके आता है, और यहाँ पर भाई ये भी ख़त्म हो जाता है। तो भाई वाले गेम में अपने को 18 का प्लस मिला भाई, देखो पिछले वाले मैच में अपने को 40 का माइनस मिला था, उससे भाई अपन डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेटेड में नहीं गए, तो भाई ये वाले मैच में अपने को प्लस मिल गया। आपको भी ऐसे ही करना है, एकदम शांत माइंड से गेम खेलना है, नहीं तो आपका भी इसे माइनस लगता रहेगा। तो भाई मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तो भाई तब तक बाय बाय।